क्रॉस चैप्टर लेके आया हूँ। पिछले क्लास में मैंने बताया था परसेंटेज चैप्टर से प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट किसको कहेंगे और लॉस किसको कहेंगे? तो प्रॉफिट निकालने के लिए फॉर्मूला होता है क्या जी, नीचे से बताएगा रितु कुमार। प्रॉफिट कब निकलेगा? जब एसटी ज्यादा हो और सैलरी कम हो। किसी पंखे को कोई दुकानदार 1200 रुपए में खरीदता है और उसे 1500 रुपए में बेच देता है, तो उसको क्या कहते हैं? प्रॉफिट। यानी प्रॉफिट कितने का होगा? 1500 का। इसके बाद प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? सलाम, प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए 200/60। बहुत अच्छा जवाब। अब बताएगा अजीत कुमार, प्रॉफिट परसेंट कितना मेरा निकला? 25%। इतना क्लियर हो गया? यस सर। अब यहाँ चलते हैं हम लोग लॉस निकालने के लिए। तो लॉस कैसे निकलता है? लॉस निकालने के लिए जैसे किसी पंखे का मूल्य है कितना रुपया? 1500 रुपया। यानी मैंने उसे खरीदा कितने में? 1500 रुपये में। और उसे बेचा कितने में? 1200 रुपये में। तो क्या होगा वहाँ पे? 300 रुपए की लॉस होगी। 300 रुपए की लॉस होगा। तो 300 का जो लॉस होगा, ठीक है, 300 का जो लॉस होगा, तो यहाँ पे मेरा कितना निकला? 20% लॉस। मोबाइल चला रहे आप जाके। फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछता है कि जब किसी वस्तु को कोई दुकानदार 1200 रुपए में सेलिंग करे और उस पर 10% का प्रॉफिट पाकर, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना था? क्या समझे? यस सर। हम कोई दुकानदार किसी वस्तु को कितना में? 1200 में क्या करता है? बेचता है सर। 1200 रुपये में बेचता है। पीछे से बताएगा अकबर, जब कोई दुकानदार किसी वस्तु को कितना बेचता है? 1200 रुपये। कितना में? 1200। बहुत अच्छा जवाब। और उस पर कितना परसेंट फायदा कमा रहा है? 110%। यानी 10% फायदा कमा रहा था, 110 हम लोग यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है। जब कार्ड टूट करके कितना आया? 109.9। ये क्या निकला? लॉस परसेंट। यहाँ पे सीपी निकला। यस सर। सीपी का मतलब कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस। और एसपी का मतलब सेलिंग प्राइस। बहुत अच्छा जवाब। उसके बाद ये फॉर्मूला, यहाँ पे सेलिंग प्राइस बराबर सीपी इनटू प्रॉफिट या लॉस परसेंट बाय 100। यस सर। ये कब लगेगा? यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि कोई दुकानदार किसी वस्तु को 200 रुपए में बेचता है, यस 200 रुपए में खरीदता है, ठीक। सेलिंग प्राइस का मतलब? सेलिंग प्राइस मतलब बेचना, विक्रय मूल्य। सीपी का मतलब लॉस प्राइस, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य यानी कोई दुकानदार 200 रुपए में खरीदता है किसी वस्तु को 10% के क्या जी, लाभ पर। कभी कभी क्या होता है कि 10% के हानि पर, तो यहाँ पे क्या कर देते? 90 कर देते। 90% अगर बोलता 10% के लाभ पर, तो यहाँ क्या कर देंगे? 110%, ठीक है। यहाँ पे 10% के लाभ पर प्रॉफिट पे सर, प्रॉफिट 110 काट दिए 22। यानी 200 रुपया क्या निकला? जल्दी बताओ। 200 रुपया एसपी का सेलिंग प्राइस निकला। अब हम लोग चलते हैं कि जो टेक्निकल क्लास मैंने कराया था, उस टेक्निकल से कहाँ कहाँ फॉर्म भर सकते हैं। एनटीपीसी में 70% टेक्निकल पूछता है और 30% नॉन टेक्निकल बनता है। उसके बाद बीएमआरसी में वहाँ भी 80% टेक्निकल पूछता है और 20% नॉन टेक्निकल। डीआरडीओ में भी 80% टेक्निकल है और 20% एनटीपीसी में कितना पूछता है? क्या एनटीपीसी में? एनटीपीसी में 70% वहाँ पे ये टेक्निकल और 20% डीएमआरसी में 80% रहता है क्या? टेक्निकल। 20% नॉन टेक्निकल। 20% ग्रुप डी रेलवे में? ग्रुप डी में जितना है नॉन टेक्निकल रहता है, ठीक है। यस सर। रेलवे में हमेशा नॉन टेक्निकल का पहले एग्जाम होता है, उसके बाद टेक्निकल एग्जाम होता है।
स्टेज वन स्टेज टू है। उसके बाद टेलेमार्सी में भी 80% टेक्निकल 20% नॉन टेक्निकल ओएनजीसी, यानी जितना चैप्टर मैंने पढ़ाया सब में से 80% टेक्निकल और नॉन टेक्निकल में 20%। तो 20% में से मैंने प्रॉफिट पढ़ा दिया, प्रॉफिट अभी चल रहा है, परसेंटेज पढ़ा दिया है, रेशियो पढ़ा दिया है, वर्ल्ड एंड टाइम पढ़ा दिया है, टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ा दिया है ना, वर्ल्ड एंड स्ट्रीम पढ़ा दिया है, यानी जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है सब मैंने ये मतलब पढ़ाया है। और जो चार चैप्टर एडवांस में बाकी है उसके बाद रीजनिंग क्लास का मैंने क्लास जो चैप्टर पढ़ाया था, एक सीटिंग अरेंजमेंट, दूसरा डायरेक्शन टेस्ट, सेंस टेस्ट, तीसरा और तीसरा चैप्टर पढ़ाना है जो मैंने दो दिन बाद पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, फिर कल मैं बता दूंगा ये टेक्निकल क्लास।